वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल के बारे में। जैसे पिछली क्लास में मैंने तो आपको केवल ये बताया था कि एक सिंगल मंथ का ईएमआई हम कैसे प्राप्त करेंगे, और इसके साथ साथ मैंने कल गोल सी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन आज की क्लास में जो पीपीएमटी आईपीएमटी के बारे में समझना है और डाटा टेबल के बारे में समझना है, वो भी संबंधित है किससे? ईएमआई से। जैसे अगर 3960 रुपया 25 पैसा प्रति महीना आप पे करते हैं, तो इसमें कितने रुपया ब्याज का पैसा है और कितना रुपया मूलधन का पैसा है, उसी को अलग अलग आज की क्लास में निकालना हमको सीखना है। क्योंकि मैंने कल की क्लास में केवल 60 मंथ का बताया था, लेकिन आज आपको केवल सिंगल मंथ में ये निकाल करके समझना है कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट अमाउंट है। पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आईपीएमटी का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, और डाटा टेबल का मतलब ये होता है। चलिए डाटा टेबल के बारे में अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले पीपीएमटी और आईपीएमटी के बारे में समझ लेते हैं। तो मतलब कोई आपसे ये पूछे कि जैसे इसमें कितना रुपया आप प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं और कितना रुपया आप जो है इंटरेस्ट अमाउंट दे रहे हैं, तो अलग अलग निकालने के लिए हमको पीपीएमटी और आईपीएमटी की रिक्वायरमेंट आती है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, जैसे मान के चलिए कि पहले तो आप 1 से लेकर के 10 महीने का आप निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो वैल्यू आप निकाल लेंगे तो उसके बाद का भी आप आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या क्या देना है, इसमें सबसे पहले लिख लीजिएगा मंथ, पुनः इसमें पीपीएमटी और पुनः इसमें हो जाएगा आईपीएमटी और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका रिजल्ट। मतलब अगर इन दोनों वैल्यू को हम जोड़े तो ईएमआई के बराबर आ जाए। अगर ईएमआई के बराबर नहीं आता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब आपका कहीं ना कहीं फार्मूला गलत है। हाँ पीसीसी, पीसीसी की पीसी। चलिए यहां पे मैंने क्या किया, अभी मैंने केवल हेडिंग तैयार किया हुआ, ठीक है, अभी मैंने केवल हेडिंग तैयार किया हुआ, अब इसी के आधार पे हमको फार्मूला निकालना सीखना है। लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, इस ईएमआई को जरूर कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि 2000 अमाउंट वाला ला देंगे तब नहीं हो पाएगा। 3960 पे आपको निकालना है ना, उस पर भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली यही है कि आप इसके माध्यम से आप चेक करिए। तो चलिए चूंकि मंथ की बात हो रही है तो मंथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पे नंबर वाइज तरीके से मंथ यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए टोटल हम 10 महीने का बता रहे हैं, आप लोग ज्यादा महीने का ऐसे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, पीपीएमटी लिखा लिखा हुआ है ना, तो देखिए पीपीएमटी हम ज्ञात कैसे करेंगे पहले इसके बारे में आप समझिए। सबसे पहले इक्वल करिएगा, और एक चीज और, पीपीएमटी आईपीएमटी और डाटा टेबल के साथ साथ हम वैल्यू को फिक्स करना भी सीखेंगे, ठीक है ना। अगर वैल्यू को फिक्स करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, जैसे किसी सेल में आप चले आइए और यहाँ पे इक्वल टू आप लगा दीजिए और कोई अलग सेल आप सिलेक्शन करेंगे, तो क्या लेकर के आया, O4 लेके आया है ना, और इसको A4 से जब फिक्स करेंगे तो O से पहले और O के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है, यानी कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है, ये हम फिक्स करना भी बताएंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना है क्या, पीपीएमटी, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीपीएमटी, पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें आपको रेट सिलेक्शन करने के लिए दे रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे रेट को हम सिलेक्शन करेंगे, इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। अब याद करिए ईएमआई निकालते समय 12 से भाग करते थे ना, इसमें तत्काल में डिवाइड नहीं करना, इसमें पहले तो आपको A4 से फिक्स करना है, A4 से फिक्स करना है। अब A4 से मैंने फिक्स किया तो क्या रिजल्ट आया, C से पहले और C के बाद डॉलर का सिंबल लगे। अब ध्यान से देखिए C का मतलब है क्या, कॉलम है ना। देखिए मैंने ब्रेकेट ओपन किया और मैंने सिलेक्शन किया केवल जो है इंटरेस्ट रेट को, तो C11 आया, तो C11 में आप बता सकते हैं कि सर C कॉलम है और 11 आपका रो, तो
जैसे ही ये फोर बटन दबाएंगे तो ये फिक्स होगा, तो सी से पहले और सी के बाद डॉलर का सिंबल आ जाएगा, यानी कि कॉलम के पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल आ जाएगा। और पुनः नीचे कामा, अभी कामा नहीं करना, अब जाकर के आपको भागा करना है कितना से, 12 से। यानी कि पहले हम फिक्स करेंगे डेटा और तब जाकर के डिवाइड करेंगे कितना से, 12 से, और पुनः नीचे कामा करेंगे। अब इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है पर का मतलब होता है सिंगल मंथ, पर का मतलब सिंगल मंथ। तो एक महीने का देखना, अभी एक महीने का निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरे महीने का निकल जाएगा, और पुनः नीचे कामा करेंगे। अब इसके बाद से पूछा जा रहा है एनपीईआर, एनपीईआर का मतलब मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ पीरियड, मतलब 60 मंथ को सिलेक्शन करेंगे। और 60 मंथ को सिलेक्शन करने के बाद पुनः इस वैल्यू को F4 से हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। सिंगल मंथ को फिक्स नहीं करेंगे, पूरे मंथ को हम एक बार क्या करेंगे, F4 से फिक्स करेंगे और पुनः नीचे कामा कर देंगे। अब इसके बाद से पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेना है, लोन अमाउंट, और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और नीचे कामा करके टाइप में एक लिख लेंगे और ब्रेकेट क्लोज करके एंटर कर दो। क्या चीज, अरे वो टाइप में एक लिखना होता है ये फार्मूला, अगर एक नहीं लिखेंगे तो गलत आ जाएगा। आप ईएमआई निकाल के चेक करिएगा, अगर ईएमआई निकालेंगे तो अगर आप एक नहीं लिखेंगे तो एक पैसा कम हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए, सही वैल्यू लाने के लिए। अब इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, बताइए इसमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला, क्या जो आप एक महीने में पैसा दे रहे हैं वही आप 10 महीने में पैसा दे रहे हैं, क्या अलग हो रहा है, मतलब ये अमाउंट आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है कि डिक्रीज होता हुआ, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, तो बहुत ही छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलिए कि आपने किसी से 10,000 रुपया उधार ले लिया, एज्यूम करिए आपने किसी से 10,000 रुपया उधार ले लिया, उधार लेने के बाद आपने उसको 2,000 रुपया वापस कर दिया, फिर उसके बाद से 2,000 और आपने रिटर्न कर दिया, फिर आपने 2,000 और रिटर्न कर दिया, तो कितना हो गया, 6,000। आपने किसी से 10,000 रुपया उधार ले लिया और पहली बार आपने 2,000 दे दिया, दूसरी बार भी आपने 2,000 दे दिया, तीसरी बार भी आपने 2,000 दे दिया, तो 2, 2, 4, 2, 6,000 आपने वापस किया ना, तो वो पैसा है उसके पास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बोलिए, उसके पास तो इंक्रीज होगा ना जिसको आप दे रहे हैं, लेकिन डिक्रीज आप कर रहे हैं, लेकिन इंक्रीज किसके पास हो रहा है, जिसको आप दे रहे हैं। इसलिए इसमें बताया जाता है कि हम अमाउंट जब पे आउट करते हैं तो जब अमाउंट के करीब जाते हैं तो अमाउंट हमको इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है, मतलब जो एक महीने में आप केवल दे रहे हैं पीपीएमटी वो है आपका 2793 रुपया 59 पैसा, और वही आप दूसरे महीने में आ रहे हैं तो 2809 रुपया 88 पैसा हो जा रहा है, लेकिन ये पैसा है कौन सा पैसा, ये मूलधन का पैसा, अभी इसमें ब्याज का पैसा नहीं जोड़ा गया, अभी इसमें से मैंने क्या छांट के बताया है, यानी कि 3960 रुपया 25 पैसा में आप प्रत्येक महीने आप जो मतलब अभी मूलधन आप पैसा दे रहे हैं वही मूलधन का पैसा मैंने केवल अलग किया हुआ है, समझ में आया, ये केवल मूलधन का पैसा आपको निकाला हुआ है। तो पहले महीने में 2793 रुपया आपने दिया और वही 10वें महीने में 2943 रुपया आपने दे रहा, चेंजिंग हो रहा है ना। तो देखिए अमाउंट जब किसी को आप देते हैं तो उस केस में अमाउंट उसके पास बढ़ते चला जाता है, और घटता है तो क्या, इंटरेस्ट आपका घटता है। अगर पीपीएमटी अगर आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है तो आप ये समझिए कि फार्मूला कहीं कहीं प्रॉब्लम है, मिसिंग, उसको आप सुधारिए। अगर इंटरेस्ट आपको घटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा तो भी आप फार्मूला गलत किए, उसको आप सुधारिए। अब इंटरेस्ट कैसे घटेगा कोई बताएगा, मैंने अभी आपको बताया कि पीपीएमटी बढ़ेगा और इंटरेस्ट अमाउंट हमारा क्या होगा, घटेगा, तो क्यों घटेगा, अच्छा मंथ कम हो जा रहा है, 10 महीना कम है। देखिए जब अमाउंट के हम बिल्कुल नजदीक जाते हैं तो ब्याज का पैसा हमारा कम होने लगता है, जैसे जूम करिए आपने किसी से 1 लाख रुपया उधार ले लिया और 1 लाख रुपया पे आप ब्याज दे रहे हैं, और अचानक से आपके पास 50,000 रुपया आया, आपने 50,000 उसको रिटर्न दे दिया, क्या जो आप 1 लाख रुपया पे ब्याज दे रहे थे उससे कम ही तो ब्याज आपको 50,000 रुपये पे देना पड़ेगा, तो अमाउंट के जितने नजदीक पहुंचते हैं उतना ही ब्याज का पैसा कम होता चला जाता है, अगर अमाउंट कम है तो ब्याज ज्यादा लगेगा, अमाउंट अगर ज्यादा दे देते हैं तो ब्याज आपका कम हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो इंटरेस्ट अमाउंट हमारा डिक्रीज होता है और पीपीएमटी अमाउंट हमारा इंक्रीज होता है, बस दोनों में यही अंतर है।
और बस कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आपने पीपीएमटी निकाला है सेम तरीके से आईपीएमटी निकल जाएगा, बस पी के जगह पे आई रख देना, पी के जगह पे क्या रख देना, आई रख देना, यानी कि सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, आईपीएमटी ब्रेकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे, इंटरेस्ट रेट को, इसके बाद पहले फोर से हम फिक्स करेंगे और तब जाकर के डिवाइड करेंगे कितना से, 12 मंथ से, और पुनः नीचे कामा करेंगे। अब इसके बाद से चूंकि पर की बात हो रही है, पर का मतलब होता है सिंगल मंथ, और नीचे कामा करेंगे। अब इसके बाद से एनपीआर, एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कंपनी ने कितना टाइम दिया, 60 महीने का, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। अब इसके बाद से लोन अमाउंट को हम सिलेक्शन करेंगे और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और नीचे कामा करके टाइप में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे और ब्रेकेट क्लोज करके एंटर कर। अब देखिए पहले महीने में 1166.67 रुपया आया, तो 10वें महीने में कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम आएगा, क्यों, क्योंकि अमाउंट हम ज्यादा मात्रा में पे करते गए हैं, तो जब अमाउंट के नजदीक जाएंगे तो ब्याज कम होता चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना, इसलिए इंटरेस्ट अमाउंट हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देता है और प्रिंसिपल अमाउंट हमको घटता हुआ दिखाई, सॉरी, इंटरेस्ट अमाउंट हमारा बढ़ता हुआ दिखाई दे, घटता हुआ दिखाई देता है और पीपीएमटी हमारा बढ़ता हुआ, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि 3960.25 रुपया आया, बोलिए, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो देखिए, अगर आपसे ये कोई पूछे कि बाबू आप जो 3960.25 रुपया जो महीना आप दे रहे हैं उसमें पहले महीने में आपने कितना ब्याज दिया और कितना मूलधन दिया, तो क्या बताएंगे, बता सकते हैं कि 2793.59 रुपया मूलधन दिए हैं और 1166.67 रुपया ब्याज दिए, 1 महीने का बताया, और वैसे ही 10वें महीने का पूछेगा तो आप बताएंगे कौन कि 2943.72 रुपया, कौन सा पैसा है, वो हमारा मूलधन का पैसा है और 1016.53 रुपया हमारा ब्याज का पैसा, समझ में आ रहा है ना, लेकिन अगर हम सबको जोड़ेंगे तो अमाउंट 3960.25 रुपये के बराबर ही आएगा, लेकिन चेंजिंग हमको क्या देखने को मिलेगा, ब्याज में और मूलधन, बाकी ये वैल्यू हमारा क्या होगा, सेम सेम वैल्यू आएगा, तो सेम सेम वैल्यू लाने के लिए सबसे पहले क्या करिए, ये वैल्यू आपका डॉलर में है ना, तो इसको सिलेक्शन करके आप इसमें ले लीजिएगा क्या, नंबर, इसमें आपको नंबर ले लेना और नीचे से दूसरे ऑप्शन को सिलेक्शन करके ओके कर लेना, बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं सबको समझ में आया, कोई ऐसा भी है जिसको समझ में ना आया हो, सबको समझ में आ गया, चलिए अब हमको निकालना है रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब ये होता है कि अगर पीपीएमटी और आईपीएमटी दोनों जोड़ने के बाद 3960.25 रुपये के बराबर आ जाता है तब तो आपका ये सही है, नहीं तो फार्मूला आपका कहीं ना कहीं गलत है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इक्वल करिए, पहले वाले अमाउंट को सिलेक्शन करिए और प्लस का सिंबल लगा करके सेकेंड वाला अमाउंट ले लीजिए और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, सही है, तो अगर पहले महीने में 3960.25 रुपया आया है तो 10वें महीने में क्या आएगा, नहीं उतना ही आएगा, तो फिर चेंजिंग क्या देखने को मिला, बोलिए, नहीं पीपीएमटी और आईपीएमटी, इसीलिए आपसे अगर कोई पूछेगा कि 3960.25 रुपया जो आप दे रहे हैं तो वो तो मान के चले कि उसमें ब्याज का भी पैसा जुड़ा है प्लस मूलधन का भी पैसा जुड़ा है, लेकिन अगर आप पे आउट कर रहे हैं तो दोनों में चेंजिंग आपको क्या देखने को मिल रहा है, मान के चलिए कि पहले महीने में आपने 3960 दे दिया, 10वें महीने में भी आप 3960 दे रहे हैं, लेकिन आपको चेंजिंग क्या देखने को मिल रहा है, तो आप बता सकते हैं कि इस केस में हमारा ब्याज का पैसा डिक्रीज होता है और मूलधन का पैसा हमारा इंक्रीज होता है, बस यही दोनों हमको चेंजिंग देखने को मिलता है और जब दोनों को इक्वल करते हैं तो ईएमआई के बराबर आ जाता है, बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए अब इसके बाद से हम समझते हैं डाटा टेबल के बारे में, जैसे डाटा टेबल के बारे में हम बात करें तो डाटा टेबल का क्या प्रयोग है, जैसे मान के चलिए कि अभी मैंने ईएमआई निकालना आपको बताया था 60 महीने का, बताया था ना कि 60 महीने का अगर हम इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं तो 1 महीने का हमको कै पैसा देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी वाला तो कंपनी में अगर हम जाएंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर आप थोड़ा 10 महीने का निकाल के बता दीजिएगा कि 1 महीने में हमको इतना कितना पैसा देना, बोल सकते हैं ना, या फिर ये भी पूछे जा सकते हैं कि सर हमको 20 महीने का निकाल करके बता दीजिए कि 1 महीने में हमको कितना पैसा देना, ऐसे पूछा जा सकता है ना, तो आप एक क्वेश्चन बताइए, मैंने तो 60 महीने के बेस पे 3960.25 रुपया लेके आया,
कि अगर 10 महीने पे अगर हम 1 महीने का निकालेंगे तो इससे पैसा हमारा ज्यादा होगा कि कम होगा? बोलिए बोलिए, क्या रिजल्ट आएगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा तो कैसे? आप देखिए, खुद बताइए, जैसे जो पैसा हम 3960 रुपया 25 पैसा हर महीने में पे कर रहे हैं पूरे पूरे 60 महीने में, तो अगर हमको 10 महीने में वही पैसा देना हो, वो पैसा नहीं, 10 महीने का इंस्टॉलमेंट हमको बनवाना हो, तो पैसा हमारा बढ़ेगा ना? क्योंकि मैंने कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मंथ कम रहता है तो पैसा बढ़ जाता है, और पैसा ज्यादा रहता है तो मंथ हमारा कम हो जाता है। जैसे मान के चलिए किसी को 10,000 रुपया उधार देना हो, आपने उधार दे दिया, ठीक है, या फिर मान के चलिए कि आपने किसी से कर्ज ले लिया, उसको वापस करना चाहते हैं, तो आप खुद बताइए, अगर आप जो है 10,000 रुपया 10 बार देंगे तो 10 महीने का टाइम लगेगा, और वही 10,000 एक ही बार में दे देंगे तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप 60 महीने का रिस्पॉन्स आपने निकाला है, 3960 रुपया 25 पैसा मंथली आ रहा है, तो अगर आप 10 महीने पे निकालेंगे तो अमाउंट आपका इंक्रीज होगा। अब देखिए, चूंकि मंथ हमारा घटेगा तो अमाउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और मंथ हमारा बढ़ेगा तो अमाउंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। आप खुद देखिए, 3960 रुपया दे रहे हैं तो 60 महीने लग रहा है, अगर यही पैसा जैसे अगर 10 महीने का इंस्टॉलमेंट बनवाएंगे तो पैसा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा पैसा आपको। अब वो कंपनी वाला यही चाहेगा कि हम इनका ज्यादा महीने का बनाएं, लेकिन अगर आपके पास पैसे की ज्यादा मात्रा में मतलब है तो आप चाहेंगे तो कम महीने का बना करके, और तब जाकर के तत्काल में ज्यादा प्रभाव से 3960 रुपया पे आउट कर रहे थे, लेकिन 3960 रुपया न पे आउट करके अब 10 महीने का जो इंस्टॉलमेंट बनेगा उसके हिसाब से पे आउट करेंगे, तो जो आप 60 महीने में आपका कट रहा था EMI, वो 10 महीने में क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। तो जब मंथ घटेगा तो अमाउंट बढ़ेगा, और जब मंथ हमारा डिक्रीज होगा, यानी कि जैसे मंथ हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उस केस में अमाउंट हमको छोटा छोटा पैकेज में देना पड़ेगा। बस यही आपको डाटा टेबल में समझना होता है। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर आपने तो 60 महीने का निकाल के बताया है कि 60 महीने में 1 महीने का पैसा हम इतना दे रहे हैं, हम 10 महीने में 1 महीने का पैसा कितना देंगे, 20 महीने में 1 महीने का पैसा कितना देंगे, और 30 महीने में 1 महीने का पैसा हमको कितना देना होगा? समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं ना? तो इसको निकालने के लिए हमको डाटा टेबल की रिक्वायरमेंट आती है। तो डाटा टेबल निकालेंगे कैसे, देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा बस आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, डाटा टेबल निकालने के लिए सबसे पहले आप इक्वल करिएगा, क्या करना, इक्वल, और इसी ईएमआई को सिलेक्शन करके एंटर कर लीजिए। अब ये नहीं कि डायरेक्टली लिख लीजिएगा, डायरेक्टली लिखेंगे तो नहीं आएगा। कैसे मैंने इसको किया, सबसे पहले इक्वल मैंने किया है, इसके बाद से ईएमआई को मैंने सिलेक्शन करके एंटर कर लिया, इसी तरीके से आपको लेके आना। अब ये नहीं कि डायरेक्टली 3960 रुपया 25 पैसा लिख लीजिएगा, तब नहीं आएगा। आप देखिए, आप यहाँ पे आ जाइएगा, इसमें मैंने लिख लिया 10 महीना, 20 महीना, 30 महीना, 40 महीना, 50 महीना, 60 महीना और 70 महीना। ध्यान से समझिएगा, अगर हम 10 महीने का निकालते हैं तो 1 महीने का क्या रिजल्ट आएगा, अगर हम 20 महीने का निकालते हैं तो 1 महीने का क्या रिजल्ट आएगा, अगर हम 30 महीने का निकालते हैं तो 1 महीने का क्या रिजल्ट आएगा। अब होता क्या है, ईएमआई हम बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये खुद में मतलब डिफाइन कर पाते हैं कि कौन सा अमाउंट हमारा किस रेशियो के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर मंथ हमारा मतलब मंथ अगर हमारा कम होता है तो उसके इसमें पैसा ज्यादा देना होता है, और मंथ हमारा ज्यादा होता है तो पैसा कम कम देना होता है। तो इसको निकालने के लिए अब करना क्या है, देखिए इतना करने के बाद सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा, और इसमें आप बॉर्डर लगा लीजिए और थोड़ा सा इसकी साइज को इंक्रीज कर दीजिए। बोलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए करना क्या, इसको सिलेक्शन किए रहिएगा, और सिलेक्शन किए रहने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले डाटा टैब में, और डाटा टैब में आने के बाद इसमें आपको आ जाना है व्हाट इफ एनालिसिस वाले ऑप्शन में। देखिए इसमें डाटा टेबल का ऑप्शन दे रहा है, इसी पे आप क्लिक करिएगा। अब इसमें दो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए, दिख रहा है, पहला लिखा हुआ है रो इनपुट सेल, और दूसरा क्या लिखा, कॉलम इनपुट सेल। तो रो को छोड़ दीजिएगा, केवल आप कॉलम को सिलेक्शन करिए, और इसमें केवल इस वाले मंथ को सिलेक्शन कर लीजिए और ओके कर देना। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कितना लोगों को नहीं समझ में आया?
एक बार और समझिए, जैसे ये 3960 रुपया 25 पैसा जो मैंने लिखा है वो 60 महीने का 1 महीने का इंस्टॉलमेंट है ना, लेकिन हमको निकालना है 10 महीने का 1 महीने का इंस्टॉलमेंट या 20 महीने का 1 महीने का इंस्टॉलमेंट। तो इसके लिए पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद डाटा टैब में चले आएंगे और इसमें आ जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, और इसमें आपको ले लेना है डाटा टेबल। क्या लेना है? डाटा टेबल। अब इसमें कॉलम इनपुट सेल वाले में केवल मंथ को सिलेक्शन करके ओके कर दो। अब ये चूंकि पैसा माइनस में आएगा ना, तो माइनस से हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, होम टैब में आइएगा और यहाँ पे नंबर पे आ जाइएगा और यहाँ से नंबर सिलेक्शन करिएगा और नीचे से सेकंड वाला ऑप्शन लेकर के और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए, आप वो कंपनी वाला आपको बता सकता है कि जैसे सर आपने 60 महीने का जो इंस्टॉलमेंट आपने बनाया था वो 3960 रुपया 25 पैसा महीना आपको देना पड़ रहा था, लेकिन अगर आप 10 महीने का इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं तो 1 महीने में आपको 20,647 रुपया 36 पैसा आपको देना पड़ेगा। वो बताएगा, अगर कस्टमर पूछेगा कि सर इतना ज्यादा पैसा हमको क्यों देना पड़ रहा है, तो वो बताएगा कस्टमर ये जो पैसा आप दे रहे हैं वो 60 महीने में दे रहे हैं इसलिए पैसा आपका छोटा है, और ये जो पैसा आप दे रहे हैं 10 महीने में दे रहे हैं ये पैसा आपका बड़ा है। सबको समझ में आया? अब किसी को कोई कंफ्यूजन? यही आज की क्लास में आपको जानना था। बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हो जाएगा, फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए।